दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे वीडियो अपलोड कर करके थक गए हैं और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से 7-8 व्यूज आ रहा है या 40-50 व्यूज आ रहा है या 100 व्यूज आते आते आपके वीडियो रुक जा रही है, सो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक को अगर आप भी अपने वीडियो में यूज करेंगे तो मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो क्या है ट्रिक, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे कैसे मैं बता रहा हूं और उस चीज को आप भी समझने की कोशिश करना। सो दोस्तों, मैं यहां पे अब नीचे में एनालिटिक्स का टैब दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ऊपर में एक कंटेंट का टैब दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। कंटेंट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस वीडियोज वाले ऑप्शन पे आ जाना है। वीडियोज वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है, यानी पेज के सबसे नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन। अब इसी में आपको वो ट्रिक छुपा हुआ है और इसी ट्रिक को आपको यूज करना है ताकि आपके वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। सो फ्रेंड्स, ये जो आपके YT स्टूडियो में ऑप्शन दिया हुआ है की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, सच कहूं तो दोस्तों 90-95% यूट्यूबर्स को इस ट्रिक के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता ही है तो इस ट्रिक को वो इग्नोर कर देते हैं, और जब इग्नोर कर देते हैं तो उनके वीडियो पर व्यूज ही नहीं आते और वो रोते रहते हैं कि मेरी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। सो दोस्तों यहां पे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे टॉप मोमेंट्स, स्पाइक का, डिप्स का, तो आपको स्पाइक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्यों स्पाइक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मैं आपको बता दूं, स्पाइक्स का मतलब होता है उछाल, यानी आपकी वीडियो में कितनी बार उछाल आ रहा है, और डिप्स का मतलब होता है गहराई, यानी आपकी वीडियो को लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके वीडियो पे अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, यानी आपके वीडियो पे अच्छा खासा वॉच टाइम आ रहा है, तो कोई भी माई कलाल आपके वीडियो को वायरल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन आपके वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन नहीं आ रहा, आपके वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आ रहा है, तो आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी है, आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना, स्पाइक मतलब होता है उछाल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी 5 मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से दोस्तों यहां पर आपकी 10 मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिन वीडियो पे आपके ज्यादा उछाल आया हुआ है। अब ये उछाल क्या होता है, मैं आपको एकदम डीपली समझा रहा हूं, और ट्रिक क्या है वो भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे ऊपर में जैसे मान लीजिए मेरी एक वीडियो है और उसका टाइटल थंबनेल भी देखने को मिला है, हाउ टू ऐड थंबनेल इन यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, जैसे दोस्तों मैं क्लिक करता हूं तो इस तरीके से मेरी यहां पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो है, इस वीडियो को मैं प्ले करके सुन भी सकता हूं, और मैंने जो वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया इसका ग्राफ भी मुझे नीचे देखने को मिल जा रहा है, यानी मेरी वीडियो पे कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है, कैसा ऑडियंस रिटेंशन देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे कि मेरी वीडियो पे यहां पे एक बार उछाल आया हुआ है, और यहां पे मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखा दूं, यहां पे आपको लाइनिंग नीचे में जो देखने को मिले उस पे एक जीरो टाइप का लिखा हुआ है। जीरो टाइप का लिखा हुआ मतलब एक सिंबल है वहां पे, मतलब कि मेरी इस वीडियो में एक बार उछाल आया हुआ है। और क्यों उछाल आया हुआ है, ध्यान से सुनना, उछाल का मतलब दोस्तों वो वीडियो का आपका कौन सा ऐसा पार्ट है, यानी पार्ट है जिसको लोग बार बार रिपीट करके देख रहे हैं या बहुत ध्यान से लोग देख रहे हैं, उसी को बोला जाता है उछाल, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जैसे मेरी ये वीडियो है, मैं इसको प्ले कर लेता हूं, ध्यान से देखना इस वीडियो में आखिर उछाल क्यों आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखते रहना आप, खबर डंके की चोट पर, ध्यान से देखना। इसके लिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको 3 स्टेप में दिखाऊंगा, तीनों स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे, मिस मत करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। वीडियो में थंबनेल नहीं लगा पा रहा हूँ, तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना ताकि सब कुछ चीज आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहां पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखने को मिल जा रही होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना, पिक्सल लेंथ। अब दोस्तों आपने यहां पे क्या देखा, मेरी उस वीडियो में उछाल क्यों आया, क्योंकि मैंने उस वीडियो में अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाया है, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको, इस वीडियो पे मेरे व्यूज भी आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे हमेशा इस पे व्यूज भी आते रहेंगे। मेरी उस वीडियो का टाइटल थंबनेल ऊपर में देखने को मिला, मैं इस पे क्लिक भी कर दे रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, देखना स्पाइक से कितना फायदा होता है। देखिए मेरी इस वीडियो पे अभी इस वक्त 8200 व्यूज आ चुके हैं, आने वाले टाइम पे इस पे और भी ज्यादा व्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, इसका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा है और यहां पे आपका वॉच टाइम ड्यूरेशन भी बहुत देर तक लोग देख रहे हैं और इसका इंप्रेशन भी ठीक ठाक है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी वीडियो पे कुछ दिन पहले इस वीडियो पे व्यूज नहीं आए थे, लेकिन इस वीडियो में स्पाइक की वजह से यहाँ पे मेरी इस वीडियो पे 8000 व्यूज आ चुके हैं और आने वाले टाइम पे इसमें व्यूज आते ही जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस वीडियो पे स्पाइक है। अब दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको एक और वीडियो का एग्जाम्पल देख के बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जैसे दोस्तों मेरी यह वीडियो एक और है, और इस वीडियो पे जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे मेरी एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इस वीडियो में दोस्तों देखिए मेरी तीन स्पाइक्स है, यहाँ पे लिखा भी हुआ ऊपर में तीन स्पाइक्स, मतलब इस वीडियो में तीन बार उछाल देखने को मिला है। अब क्यों देखने को मिला है ये भी मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, देखना दोस्तों। और इसी को देखते हुए सभी यूट्यूबर्स हो गए हैं परेशान, यानी सभी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा दुखी हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से मैंने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा वीडियो को पार्ट दिखाने की कोशिश किया है जिसमें लोग देखने के लिए रुक जा रहे हैं, बार बार उस चीज को रिपीट करके देख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने जहां जहां पे उछाला है, देखिए मैंने कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश की है, यानी कुछ ना कुछ स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की है। तो इससे आपने क्या समझा, ठीक है, इसका मतलब ही दोस्तों ये है कि अगर आपका टेक्निकल चैनल है या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या एडुकेट करते हैं लोगों को, तो आपको कोशिश करना है कि अपने वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं, स्क्रीनशॉट दिखाइए, वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाइए, जिससे कि आपके वीडियो को लोग बार बार देखें, ध्यान से देखें और आपके वीडियो में एंगेजमेंट मिले, यानी आपके वीडियो पे उछाला है, उछाला आएगा तो ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, और ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा तो आपके वीडियो पे ज्यादा खासा अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा, और जब वॉच टाइम मिलेगा तो आपके वीडियो को वायरल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे टेक्निकल है, कुकिंग है, ब्लॉग्स का, न्यूज का, फैक्ट्स का, डांस का, यानी फ्रेंड्स ब्यूटी का, हेल्थ के रिलेटेड, किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल क्यों ना हो, आपको फ्रेंड्स अपने चैनल पे जाना है, यहां से ऑडियंस रिटेंशन पे जाना है, और यहां से देखना आपकी किन वीडियो में ज्यादा उछाल मिल रहा है, आपने उस वीडियो में क्या दिखाया है, क्या बताया है, जो आपने इंटरेस्टिंग चीज उस वीडियो में दिखाया होगा बताया होगा उसी चीज को आपको दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो में करना है, यानी वैसा ही काम आपको नेक्स्ट वीडियो में करना है। जब यह काम आप अपने नेक्स्ट वीडियो में करने लगेंगे फ्रेंड्स, देखना आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और आपके वीडियो पे व्यूज डाउन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप खुद यूज करिए, और फिर बाद में आप लोग खुद बोलेंगे कि ओम भाई आपने क्या अच्छी ट्रिक बताई है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।